ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए खबर लेके आया हूँ कि एक वायरल खबर जो आप लोग मुझसे ये चाहते थे कि मैं इस चीज की पड़ताल करके आप लोगों को सत्यता के साथ पेश आऊँ, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ सत्य के साथ ही कोई भी चीज आती है ना, वो विद प्रूफ आती है। तो दोस्तों, अगर आपने मुझ पर विश्वास जताया तो मेरा फर्ज बनता है उस विश्वास पे खड़े उतरना। दोस्तों, मैं इस विश्वास के साथ जो आपने बोला कि सर एक 100 डेज प्लान का वेस्टर्न रेलवे ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है और सारे यूट्यूबर इसके लिए वीडियो बना रहे, तो क्या ये सत्य है? अगर सत्य है तो सर हम कैसे माने कि ये सत्य है, और ऐसे सत्य तो हमें क्लियर कीजिए जिससे हम प्रिपरेशन कर सके। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्लान आया है, इस प्लान के बारे में जिस इससे रिलेटेड मैंने भी वीडियो अपलोड किया था, अगर ये गलत हो तो शायद मैं भी गलत हूं, अगर ये सत्य है तो बहुत अच्छी बात है कि जो चीज रेलवे बोर्ड अब डाल रहा है उससे पहले ही मैं आपको उससे 10 दिन पहले इस चीज के लिए इन्फॉर्म कर चुका था। तो इसके बारे में पूरी बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं इसके लिए विद प्रूफ आपके सामने प्रूफ पेश करूंगा। वो प्रूफ क्या है एक बार देखने के बाद ही ट्रस्ट कीजिए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ज्यादा लंबा नहीं होगा, मैं 4 से 5 मिनट इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, 100 डेज प्लान क्या है पहले तो अपन ये जान लेते हैं। 100 डेज प्लान वेस्टर्न रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये जो एग्जाम्स है, मतलब 12 सितंबर से पहले आपका जो एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो 12 सितंबर से पहले नहीं होगा, बाद में ही होगा। ये मैंने भी कहा था कि अभी एग्जाम नहीं होने वाला, लेकिन कई लोगों ने मेरे पर काफी कमेंट्स किए थे, लेकिन ये बात आई है, अभी देखते हैं ये सत्य है या नहीं है। उसके बाद इसका रीजन क्या है, प्रूफ में आगे दे रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा एक शॉर्टकट में बता दूं। इसका रीजन ये कि बोर्ड ने ये कहा है कि हमारे पास जो 2018 की वैकेंसी की एएलपी वगैरह की जो वैकेंसी है, हमें उन्हें पूरा करना है, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपके पास घर में जैसे कोई सामान है, अगर ऑलरेडी वो आपके पास है, मान लीजिए मम्मी ने चीनी मंगवाई, अगर उस डिब्बे में ऑलरेडी चीनी रखी है तो पहले मम्मी उसको खर्च करेगी ना, मम्मी उसको यूज में लेगी, उसके बाद ही तो वो चीनी दोबारा से उस डिब्बे में डालेगी। यही बात होगा, अगर बाहर रख दी जाएगी तो वो चीनी खराब होनी है या फिर चींटियां लगनी है। यही बात रेलवे बोर्ड ने इस नोट जाहिर की है, अपनी जो भी अंदर से जो बात थी वो ही क्लियरली बताया कि हम पहले इन वैकेंसीज को पूरा करेंगे 12 सितंबर तक, फिर एएलपी वगैरह की इनको ज्वाइनिंग देने के बाद, इनकी जो हम पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, इनको ज्वाइनिंग देने के बाद में हम पैरामेडिकल के लिए जो हमने नोटिस जारी किया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था, वो नोटिस जारी किया था, उस एग्जाम को कम्प्लीट करवाया जाएगा। इसलिए हमारे पास 12 सितंबर से पहले इस एग्जाम को CBT 1 क्लियर करवाने के लिए, एनटीपीसी की जो बाकी पोस्ट है नॉन टेक्निकल वाली, उनको क्लियर करवाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये था आपका नोटिफिकेशन जो स्क्रीन पे होगा, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो आपका काफी वीडियोज आप देख सके, आपका टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, अब ये चीज सत्य है कि इसको बताता हूं, तो दोस्तों पहले स्क्रीन पे देखिए कि जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज देखिए, आज 30 जून की न्यूज है, 11:00 समथिंग की, 27 से 57 मिनट समथिंग की ये जो न्यूज है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहेगी। पहले तो रेलवे बोर्ड ने ये क्लियर किया है कि उन्होंने ये क्लियरली बोला है कि ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दे जो आपको ये रेलवे एग्जाम से रिलेटेड आपको ये बोलता है कि ये एग्जाम अब होने वाली, इसके एडमिट कार्ड अब आने वाले हैं। ये रेलवे अधिकारियों ने क्लियरली बोला है, जो नोटिस जारी किया गया वो आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, कि जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस ने ये कहा है। दूसरा पॉइंट आता है, सर मान लिया कि ये क्लियर किया, लेकिन आप तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारे सवाल का जवाब था कि वो नोटिस सही था। देखिए दोस्तों, जो जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग ये नोटिस सही था, इस पड़ताल में यही सामने आता है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा जनसत्ता का, इन्होंने क्लियरली बोला है कि 3 से 4 महीने तक हम ये एग्जाम कंप्लीट नहीं करवा सकते। तो 3 से 4 महीने मतलब ये जो शेड्यूल था वो जून से लेकर के सितंबर के बीच का था, तो जून से लेकर स्टार्टिंग हो रही है, जून में आप चल रहे हो, सितंबर में एंड में या सितंबर स्टार्टिंग में ये एग्जाम का, इन्होंने ये बोला कि 12 सितंबर तक एग्जाम नहीं करवा सकते, तो 12 से मान लीजिए मिड सितंबर मान लीजिए आप, मिड सितंबर तक 3 से 3 महीने का मतलब आप समझते हो कितना होता है, 3 महीने का मतलब 90 दिन होता है, ठीक है, 3 से 4 महीने 90 दिन, मतलब 100 दिन का प्लान बताया ना, तो 100 दिन कौन सा हो गया, आप 90 और 100 के बीच में चल रहा है ना आपका, ठीक है, 3 महीने मतलब 3 से 4 महीने के बीच में, तो वही 90 दिन का प्लान सामने आ रहा है। समझने की कोशिश की, 3 से 4 महीने मतलब टोटल 100 डेज के मिड में ही आ रहा है ना, 100 डेज का उन्होंने 12 सितंबर तक का बता दिया, उसके अंदर 4 से 5 दिन और आगे हो सकते हैं। तो जनसत्ता ने ये बात क्लियर की है अपने में 30 जून को कि ये जो 100 डेज का प्लान है ये कहीं ना कहीं सत्य है। सेंट्रल रेलवे ने, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने ये चीज अपलोड की है, जल्द ही और RRB की जो भी वेबसाइट है उस पर भी आ जाएगी।
दूसरी बात ये भी क्लियरली किया है कि जून से सितंबर के बीच में एग्जाम होगी और 3 से 4 महीने के बीच में नहीं होगी, तो ये बात वहीं जाकर के अटकती है कि 100 डेज प्लान का जो वे जो आपके सामने जो न्यूज वायरल हो रही है वो 100% सत्य है। तो आपको जो मैंने वीडियो का ये लिंक देखी, मैंने पहले आपको बताया था कि उमेश शर्मा पे ट्रस्ट क्यों करें, ये मैंने रेलवे की ये वेबसाइट आने से पहले लिंक आने से पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि दोस्तों एग्जाम अगस्त से पहले तो नहीं होगा, लेकिन अब अगस्त से ये सेप्टेम्बर तक जा रहा है। तो आपके पास मैंने वीडियो अपलोड कर देगी, आप तैयारी कैसे करिए और कौन सी बुक से पढ़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आपको विश्वास हो कि जिस चैनल पे हम बने हुए हैं ना वो हमें ऑथेंटिक न्यूज चाहे थोड़ा लेट देते हैं लेकिन वो न्यूज को एक वेरीफाई कर करके लाते हैं जो कि हमें गुमराह नहीं किया जाता है। दोस्तों अभी के लिए इजाजत दीजिए, ऐसी वीडियोज बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाएगा जो मेरा मनोबल बढ़ाएगा कि मैं आपके लिए ऐसी न्यूज लेकर के आता रहूं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत।